अब जो है वो हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल हैलाइड्स। तो ये जो है इस दूसरा पार्ट है हमारे पास। बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो हमने देखना है वो ये है कि CH3 C डबल बॉन्ड OH है, इसको जो है वो हमने कन्वर्ट करना है CH3 C डबल बॉन्ड OX में, ठीक है। एंड X इज बेसिकली है हैलोजन। एक नोट यहाँ पे लिखना है आपने कि एसाइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। सो ये जो है ये नोट है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के तीन तरीके हैं, विद PCl5, विद PCl3 एंड विद SOCl2, ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले नंबर वन विद PCl5, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस PCl, ठीक है। एंड यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस HCl प्लस POCl3, ठीक है, ओके। ये रिएक्शन कैसे हुआ यार, आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर आपने क्या कर दिया। बेसिकली हुआ ये है कि ये सीएल जो है उसने आके इसको रिप्लेस किया, ठीक है। दिस ओके, दिस एच रिएक्टेड विद दिस सीएल एंड दिस ओ रिएक्टेड विद दिस थिंग टू फॉर्म दिस थिंग। एच और सी एल ने बना दिया एच सी एल और बाकी ने बना दिया CH3COOCl, ठीक है। सो ये रिएक्शन जो है वो इस तरह तय पाया है। और ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है इसको हम कहते हैं एथेनॉल क्लोराइड, ठीक है। द नेक्स्ट रिएक्शन, the next conversion, I'm sorry, is number 2 with PCl5. Isme kya hota hai, sorry, with PCl3, PCl5 ho gaya, CH3 C double bond OH plus PCl and you get 3CH3 C double bond OCl plus H3PO3, ठीक है। ठीक है, ये जो PCl3 है ये बनता कैसे है? PCl5 को तो आप डायरेक्टली ऐड कर देते हो, ठीक है, लेकिन PCl3 को नहीं करते।
PCl3 को क्यों नहीं करते? बिकॉज इट इज अ टॉक्सिक वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है ना। अगर PCl3 को डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो काम जो है ना वो खराब हो जाएगा। तो PCl3 को हम बनाते हैं P4+Cl2 करके, अलग अलग ऐड करते हैं तो वो PCl3 बना देता है, तो बन जाता है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इधर भी 3 लगाया। ठीक है, तो ये जो है इस तरह आपने इसको देखना है। रिएक्शन कंडीशंस जो है, ये वाला रिएक्शन जो है ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन इसके लिए हमें हीट करना पड़ता है। ठीक है, द थर्ड एंड द लास्ट कन्वर्जन जो है दैट इज नंबर 3 विद एस एस ओ सी एल टू। ठीक है, एंड एस ओ सी एल टू का स्ट्रक्चर क्या होता है? एस डबल बॉन्ड ओ सी एल सी एल, एंड वी से कि नो स्पेशल कंडीशंस एंड रूम टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है वो हो जाता है। सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस एस ओ सी एल टू थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस एच सी एल प्लस एस ओ टू। ठीक है, सो ये जो है ये इस तरह एस ओ सी एल टू के साथ ही रिएक्शन आपका हो जाता है। तो ये जो थी ये कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल हैलाइड्स है।